साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वकास अहमद से। वकास के बारे में जो बता दी चैनल कि इन्होंने मॉडलिंग से अपने कैरियर का आगाज किया, टेलीफिल्म की ड्रामा सीरियल किया, अभी आने ईद उल अजहा आने वाली है और इसके लिए हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स में ईद स्पेशल ड्रामा बनना शुरू हो जाते हैं, तो इनका एक ड्रामा आने वाला है। ये तफसील हम वकास से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? वकास, जैसे अभी मैंने शुरू में कहा कि हम सब है ना अपनी रियल लाइफ में एक्टिंग कर रहे हैं, वो जो जिसको हम अपनी ज़ात पर डिपेंड करते हैं कि हम अपनी ज़ात जो होता है ना वो हमारा राइटर है, और वो हम अपने राइटर भी खुद होते हैं, और ज़ात जो होता है वो डिसाइड करता है कि हमने नेगेटिव रोल प्ले करना है या पॉजिटिव रोल प्ले करना है। तो ये जो रियल लाइफ एक्टिंग होती है उसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ आंसर है, फिर आपके उस पर आते हैं। अब करेक्टर तो फिर जैसा अब ऑफर हो जाए, करेक्टर एक्टर के ऊपर होता है वो उसे निभाए किस तरीके से। अब जिस तरह का कैरेक्टर ऑफर होगा उस हिसाब से फिर एक्टिंग, यार ये सीन सही नहीं है, तुम इस तरीके से गलत करो, ऐसे करो, तो मुझे फिर मैं उसमें और फोकस करता हूँ कि यार ये ऐसे नहीं है। डांट तो पड़ती है, अगर कोई बोल दे कि मुझे डांट नहीं पड़ी तो इम्पॉसिबल है यार। जितने भी इस लाइन में आते हैं डांट पड़ती है, आटस्ता करके ऊपर आते हैं, तो अब जो डांट नहीं सहते फिर वो उस बार डांट सहलोगे क्योंकि आप तुम्हारा जी तो ऐसा है कि आने का टाइम है और जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप अगर रात पे 4 बजे कॉल टाइम है तो अगले दिन 4 बजे पैकअप हो रहा हो, कुछ पता नहीं है। आप इस दौरान जो है शादी भी होगी रिश्तेदारों में, कोई मर जाए, कुछ हो जाए, खुदाना खास्ता कुछ भी हो जाए, अब जरूरी मैं करता हूँ। और मेरी सोच ये है कि एक्टर जो है कभी भी खत्म नहीं होता, वो 80 साल का भी जाएगा तो वो कैरेक्टर करेगा, यानी उसके रोल्स चेंज जाएंगे। अब अगर वो हीरो पहले बच्चे का कैरेक्टर कर रहा है, फिर बड़ा होगा फिर हीरो बनेगा, हीरो से फिर बाप बनेगा, बाप से दादा का रोल करेगा, एंड मर्दे मर्दे फालिश का कैरेक्टर होगा, वो भी कर रहा होगा, लेकिन जो है वो कैरेक्टर कभी मरता नहीं है। तो कुछ लोगों की सोच ही होती है कि यार ये एक्टिंग जो है बस एक लिमिट है, हीरो बस हो गया, खत्म, अब जो है कोई और काम करना चाहिए। अच्छा ड्रामा, आपने पहले एक सीन बता रहे थे आपने, उसमें आपका रोल क्या था? उसमें मेरा बेटे का कैरेक्टर था, एक शरीफ सा लड़का होता है, फिर उसकी शादी वादी हो जाती है, इस तरह से एक कहानी। अच्छा, लड़के लड़कियाँ ज्यादा होती हैं, टेढ़े मुंह की बनाती हैं, आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा टेढ़े मुंह बना के सेल्फी में क्या। अगर लड़के लेते हैं सीधे सीधे सेल्फी ले लिया, लड़कियाँ टेढ़े कभी मुंह टेढ़ा मुंह बना ले, कभी मैंने तो देखा है ना, मैं भी रहा सेल्फी द्वारा, ये लड़की जो बताएंगी मतलब अच्छा लगता है लड़कियाँ करती हैं। क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे या थोड़ा सा? आजकल तो अल्लाह माफ़ करे सेल्फी में बैठा हूँ, आज किसी के मरने भी आएगी जाएंगे तो लड़कियाँ वो सेल्फी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ना, चाचा के कुछ ट्वीट कर रहे हैं, अम्मी ने बोला किसी के चाचा के मरने में जाने चलो बेटा, तो वो बोल दिया रुके अम्मी पहले मैं स्टेटस डाल दूँ कि चाचा की मौत हो गई है, इस तरह का मैंने देखा था। देखिए वो तो है, वो एक सही मैंने आते हैं ना डेथ के आते हैं तो फिर एक तो इंसान को पता चलता है, एंड देन उसमें आ जाता है कि डिसाइड सुरह फातिहा पढ़ लीजिए या एक खबर होती है। लेकिन दूसरी साइड पर आपने कहा कि इस चीज को न्यूज में या सोशल इन में रहने के लिए आप ये कर रहे हो कि तस्वीरें समथिंग बैड सेल्फीज उस वक्त उस दौरान उस अब तो ये भी इतना ज्यादा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो जाए बाइक से एक्सीडेंट हो जाए तो सीधा वो पहले रोकता है वो पिक्चर लेता है, ये सभी हादसा हो गया, और फिर उसके बाद बड़ा बंदा नहीं बंदा मर रहा है वो उसकी टांग में लेके रुक भाई सेल्फी ले लो, ये मेरा डाल लो मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत ज्यादा बात। तो आप अगर हम सेल्फी पे डिबेट करें तो बता उसको डिसोन करेंगे और इसके एंड की यूज में जाएंगे। अब वो आप ही बता रही हैं कि वो जो